रिसर्चिज हो चुकी हैं अमेरिका च, जापान च, पूरे वर्ल्ड की कई कंट्रियां कि किडनी रीग्रो करने अपने आप में सक्षम है। उन्होंने मकसद एक होंगे बस तुम डायलिसिस कराओ फिर तुम परेशान होकर ट्रांसप्लांट कराओ। बेसिकली आप बीमारी की जड़ते काम नहीं कर रहे, बीमारी को दबाने काम कर रहे हैं। इस टाइम पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया, पूरा देश एवं का लाइफ स्टाइल दसदा कि बॉडी की किडनी आपे काम करे, अपने आप रिजनरेट करे। नाल मौजूद ने जाने माने आचार्य मनीष जी, आयुर्वेद के नाल जुड़े ने काफ़ी लंबे समय तो, तुसी भी देखिया होना। तो नाल ही जिहड़े लीवर फेल जां गुरदे फेल, तरह तरह के जिन्हें भी ऑर्गनस फेल होंगे ने उन्होंने लैके काम कर रहे हैं। आयुर्वेद के विच भी काफ़ी कुछ है मॉडर्न तो हट के, उस चीज़ को लैके आप गल करन लई आचार्य मनीष जी को आए हैं। सत श्री अकाल जी। नमस्कार जी। नमस्कार, सत श्री अकाल मनीष जी। सब तो पहला तो कि जिहड़ा है अजकल बच्चे तो लैके बूढ़े तक ऑर्गन च कई फेलियर आ रहे हैं, हार्ट तो लैके, हार्ट के केसिस बड़े ने कोरोना तो बाद। हाँ, जो हम सुन रहे आप कभी गरबा करते डैथ हो रही है, कभी किसी हार्ट अटैक पै रहा है, किसी का हार्ट फेल हो रहा है, एवं कई की किडनी फेल हो रही है, किसी का लीवर फेल हो रहा है, किसी कैंसर हो रहा है। अजकल बीमारियां बहुत बढ़ रही ने, तो उनके पीछे कारण एक ही है, खाना पीना, साड़ा लाइफ स्टाइल, तो दवाइया के साइड इफेक्ट जे इस टाइम आप दवाई बिना अपने दिमाग का ले जाने, एंटीबायोटिक बहुत यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी आप वायरल इन्फेक्शन खत्म करने से दवाई ले लें। बेसिकली आप बीमारी की जड़ से काम नहीं कर रहे, बीमारी को दबाने काम कर रहे हैं। इस टाइम पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया, पूरा देश, असी की कर रहे हैं, बीमारी की जड़ लभदे हैं, तो जड़ से काम करते हैं तो असी लोगों को ठीक कर पाने। मनीष जी, मॉडर्न इलाज तो बहुत सारे ने, एक तो एक रोबोट भी आ गए ने जो इलाज कर रहे हैं डायलिसिस को लेकर, किडनी फेल्यूर को लेकर। मैं किडनी फेल्यूर को ज़्यादा जोर दे रहा, तो किडनी फेल्यूर ने लेके आयुर्वेद शुरू तो लैके हुण तक कितनी तरक्की कर चुका है, तो किन्ने इलाज तो बाद कितना चंगा हो जाता है पहले के मुकाबले? देखो, किडनी फेल, पहली गल किडनी फेल, आप लभदे किडनी किन्नी फेल, असी पहला सब तो पहले पेशेंट का कर रहे हैं DTPA स्कैन कि किडनी कम कि कर रही है, 5%, 2%, 10%, ताकि 3 महीने बाद पेशेंट द्वारा करावे उन्हें दिखे भी इंप्रूवमेंट। जबकि वड्डे डॉक्टर DTPA स्कैन नहीं कराते क्योंकि किडनी पता लग जाएगी कितना कम कर रही है। उन्हों का मकसद एक होंगे बस तुम डायलिसिस कराओ फिर तुम परेशान होकर ट्रांसप्लांट कराओ, तो ट्रांसप्लांट भी फेल हो जाता है। मैं तुम्हें हमने इतने ही पेशेंट मिलवा सकता साढ़े हॉस्पिटल एडमिट इस टाइम, आ हमने उन्हें 2021 ट्रांसप्लांट कराया सीगा, आ 22 भी नहीं है चलिया, 22 की जून च उन्हें फेल हो गया, 21 दिन अक्तूबर कराया, यानी कि 6 महीने बाद किडनी फेल हो गई। मेरे को एवं के पेशेंट ने 4 दिन बाद किडनी फेल हो गई, 40 दिन बाद फेल हो गई, किडनी द्वारा फेल हो जाती है। किसी किसी की 5-7 साल चलती है, वो भी लेकिन बहुत गंदी दवाइया, बड़े ज़्यादा साइड इफेक्ट के नाल। असी की करते हैं किडनी नैचुरल डायलिसिस कराने, बॉडी को इन्ना स्ट्रोंग बनाने, एवं की डाइट दसते हैं, एवं का लाइफ स्टाइल दसते हैं कि बॉडी की किडनी आपे काम करे, अपने आप रिजनरेट करे। जिवें छिपकली है, वो अपनी पूंछ गिरा देती है, जदों चाहो दोबारा उगा लेंदी है। एवें ही रिसर्चिज हो चुकी हैं अमेरिका च, जापान च, पूरे वर्ल्ड की कई कंट्रिया कि किडनी रीग्रो करने अपने आप में सक्षम है। आयुर्वेद के अंदर चरक संहिता के अंदर 14:44 एक 14वें चैप्टर है, 44 नंबर श्लोक च पूरा अवगाहस्वेद का वर्णन है, यानी कि एक गर्म पानी की थैरेपी का वर्णन है कि उस टब बैठ के बॉडी को रिजुवेट करना है, तो पसीना कढ़ना है। असी भी उही थैरेपी, उही पंचकर्मा नैचुरोपैथी इतने अपनाने हॉस्पिटल, तो किडनी फेल पेशेंट डायलिसिस के बगैर ही ठीक करने पूरी कोशिश करते हैं। आयुर्वेद इसका इलाज कितने समय के कर लेता है, किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी फेलियर की गल की जाए तो, और मॉडर्न के कि फर्क है मॉडर्न इलाज तो हट के? साढ़े को लगभग मान के चलो 7 से 15 दिन के अंदर ना लगभग 70% पेशेंट का डायलिसिस बंद हो जाता है, 70% पेशेंट का। तो जोड़े पेशेंट स्टेबल ने जिन्हों मतलब डायलिसिस चल रहे हैं, सिर्फ वो सानू कहना मान लैन, साढ़े दसा खा ना खा लैन, जो असी कही नहीं खाना वो ना खान, तो द्वारा उही किडनी काम कर पैंदी है। ठीक है, तुम शुरू के बच्चे कहा कि खाण पीण एक सब तो बड़ी वजह है ऑर्गन फेलियर की, तुम पहला भी एक बारी कॉन्फ्रेंस करवाई सी, उस से तुम मिलिट्स नू ज़्यादा प्रमोट किया, तो मिलिट्स बारे की कहना तुम, तो आम लोग मिलिट्स नू अपने डेली रोजाना खाण पीण के किस तरह शामिल कर सकते हैं? देखो, मैं तुम्हें छोटी जी गल दसदा, गेहूँ तो चावल अपने मुख्य अन्न ने, गेहूँ में सिर्फ 1% फाइबर है, चावल 0.2% फाइबर है, प्लस इन्हों के अंदर एक सब तो बड़ी कमी की है कि जो ये बॉडी जाते हैं तो विद इन 30 मिनट्स ये अपना सारा ग्लूकोज ब्लड पा देंगे, साढ़े ब्लड ग्लूकोज की स्पाइक आ जाती है, उनके पीछे पीछे फिर इंसुलिन की स्पाइक आनी पैंती है,
यानी कि डबल नुकसान होता है गेहूं चावल खाना। शुगर एकदम ब्लड चली जाएगी, तो ये चेक कराओगे गेहूं खाने के बाद शुगर वधी आएगी। लेकिन मिलेट्स की है, उन्होंने अंदर जी फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट की संरचना वो स्पाइरल शेप है, वो पूरा दिन हौली हौली ग्लूकोज देता है ब्लड में, इंटैलीजेंस जिवें फ्रूट्स देंगे इंटैलीजेंटली, वो सेम मिलट्स से शक्ति हैगी है। मिलट्स अभी पांच तरह के कहने खाने वास्ते, जिन्होंने आप पॉजिटिव मिलट्स कहने, इन्हों में 8-12% फाइबर है, प्लस सब तो वड्डा गल है कि ग्लूकोज स्लो खड़ सड़ते हैं। दूजी गल ये नैचुरल है, ये अजे छेड़छाड़ नहीं हुई, इन्हों से स्प्रे नहीं यूज़ होया, इन्हों से कोई कैमिकल नहीं यूज़ आया, मिट्टी वधिया चुकते हैं, नैचुरल उगते हैं। दूजा एक इकनोमिक बेनीफिट भी है, 1 किलो चावल उगाने 2500 लीटर पानी लगता है, 1 किलो गेहूँ उगाने 600 लीटर पानी लगता है, जबकि 1 किलो मिलट उगाने 200 लीटर पानी लगता है। तो ये देश वास्ते भी चंगा है, पंजाब वास्ते वैसे ही चंगा है, क्योंकि पंजाब पहले पानी थले चला गया साडा, इतने पानी की समस्या बहुत है। तो मतलब मिलट साढ़े भारत वास्ते बहुत जरूरी है, हर बंदे नू खाने हैं। बस मिलट्स की तुम विधियाँ सीख लो, यूट्यूब पर साड़ी वीडियोज़ हैं, फेसबुक पर साड़ी वीडियोज़ हैं, तुम सर्च करोगे मिल जाएगी हाउ टू कुक मिलट्स या मिलट की रेसिपीज़। मिलट बिल्कुल सिंपल है, जिवें चावल बनते हैं उवें ही भिगो के चाव मिलट नू बनाना होंदा, बस शर्त की है कि मिलट नू घटो घट 6-8 घंटे भिगोना होंदा है, ताकि वो नरम हो जाए, उन्हों का टॉक्सिन निकल जाए, जोड़ा एंटी न्यूट्रिएंट पार्ट है वो निकल जाए, तो उनका जोड़ा एक्टिव पार्ट है इनग्रीडियंट वो एक्टिव हो जाए, जो न्यूट्रिएंट पार्ट है वो ग्रोइंग फॉर्म में आ जाए, जिवें आप कहने अंकुरित अन्न बहुत चंगा होंदा है। एवं जो आप मिलट्स भिगो के रखते हैं तो उन्होंने अंदर जो फाइबर है, जो उन्होंने अंदर न्यूट्रिशन है, वो इस फॉर्म में आता है, सोल्यूबल फॉर्म में आ जाता है, बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है। जबकि तुम जो गेहूँ खा रहे हो, तुम गेहूँ आप तो पिसवा नहीं रहे हो, ना उन्होंने तुम भिगो रहे हो, तुम सीधा चक्की तो लैके पीस के खा रहे हो। जबकि तुम थोड़े पुराने टाइम पर तुम याद करो, साढ़े घर गेहूँ पहले पुराना करते, ड्रम लैके भरते, 2-3 महीने उन्होंने पुराना करते, फिर उन्होंने पहले धोते, भिगो के रखते 4 घंटे, फिर सुखाते, फिर पिसवाते 1 हफ्ते का, क्योंकि हफ्ते बाद जोड़ा अन्न है उन्होंने गेहूँ का आटा पिसवाओगे, उनका न्यूट्रिएंट पार्ट जीरो हो जाता है, उन्हें कई तरह के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, कई तरह के वायरस पैदा हो जाते हैं। आप कर रहे चक्की का आटा ले रहा महीने का कट्ठा, वो महीने का आटा जहर है, वो खाओगे तो कई तरह की एलर्जीज होनगियाँ, तुहाडा लीवर खराब होएगा। अजकल तुम दसो यंग एज भी बच्चा नहीं पैदा कर पा रही, क्योंकि शरीर शुक्राणु घट गए, अंडाणु घट गए, वो क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि साडा अन्न ही खराब हो गया, दूषित हो गया। खाली पेस्टिसाइड भी रोला नहीं गा, गेहूँ की अपनी जी फॉर्मेशन है वो ही बड़ी गंदी हो जाती है, मतलब बॉडी वास्ते नुकसानदायक हो जाता है। तो गेहूँ चावल छड्डो तो मिलट्स को अपनाओ। अचार्य मनीष जी, तुम मिलट्स बारे दसता, अज के टाइम के फूड जो फैक्ट्री फूड हो गए, जो बर्गर हो गया, पीज़ा हो गया, नूडल्स, अजकल के बच्चे आम ही खाते, मापे की कुछ करन कि बच्चों उन्हों का डाइट जो है नूडल्स तो हटा के मिलट्स वाल कर सकन, जां किस तरह का खाण पीण दे विच सब्जियां दे विच चेंज कर सकते हैं कि बच्चे भी खुश रहन ते मापे भी खुश हो जाए। देखो मैं तो चाहना सरकार तो भी अपील है, मापे तो भी अपील है कि तुम जो खुद खाते हो ना बच्चे उ ही खाते हैं। तुम घरे अगर किचन बनाने मिलट शुरू कर दोगे बच्चे भी उ ही खाएंगे, तुम आप फ्रूट की प्लेट खाओगे बच्चे भी उही खाएंगे। बच्चे माँ प्यो नूं देख के सीखते हैं, और प्यो आप दारू पींदा होवे बच्चे नूं किवें कहूगा दारू पुत्तर बुरी चीज़ है, तो इस वास्ते तो मापों नूं सुधरना पैना। दूजा स्कूलों में टीचर्स नूं ते प्रिंसीपल्स नूं ये ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए अपने स्कूलों में, तो उन्होंने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हैल्दी पीपल ही, हैल्दी बंदा ही फ्यूचर सही दिमाग वाला व्यक्ति बनेगा। क्योंकि अजकल की हो रहा है, मैं छोटे छोटे बच्चों की किडनियाँ फेल हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों अजकल प्रोस्टेट की दिक्कत हो रही है, उन्होंने वैरिकोसील हो रहा है, उन्होंने कई तरह के हरनिया हो रहे हैं, बच्चों लोगों के पैर टेढ़े हो रहे हैं, बच्चे दिमाग तो पैदल हो रहे हैं, बच्चे डिप्रैशन में आके आत्महत्या कर रहे हैं, वजह सारा रोंग फूड है। तो माँ प्यो तो स्कूलों ड्यूटी लानी पेगी, सरकार भी जिम्मेदार है, सरकार भी चाहिए हर स्कूल ट्रेनिंग शुरू कराए योग की, आयुर्वेद की, नैचुरोपैथी की, कि वट टू ईट वट नॉट टू ईट, किस चीज़ के साथ किस चीज़ को नहीं खाना। जैसे आयुर्वेद ने साफ साफ लिखा हुआ है दूध के साथ कोई फ्रूट नहीं खाना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान मैंगो शेक बनाना शेक पीती जाता है। अगर तुम्हें शेक पीना है तो नारियल का दुध कड़ के उन्हें अंब पा लो, उन्हें केला पा लो, उस तो स्वाद बनता है, लेकिन किसी ने दसिया नहीं कभी। मूंगफली का शेक बना लो, बादाम का शेक बना लो, मूंगफली के बादाम भिगो के रखो 8 घंटे, उन्हें मिक्सी ग्राइंड कर लो, कपड़े निचोड़ लो, दुध निकल गया, उन्हें अंब पा के खाओ, केला पा के खाओ, कोई चक्कर ही नहीं गा। लेकिन एक गां माज का दुध ना वरतो, तो माजदा तो बिल्कुल ना वरतो, अगर गां का वरतना भी वो तो देसी गां का, हुण अजकल गां बोल देने का पंगा पैंदा, जर्सी गां, HF गां, अमरीकन गां, ऑस्ट्रेलियन गां, अमरीकन अफरीकन गां, ये गावों का रोला की है, एक गां सारी सूअर तो संकर नसल तो बनी हुई है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये गां का दुध साढ़े वास्ते अच्छा नहीं गा, इहनूं आपां कहिंदे अपनी माँ का दुध वर्गा नहीं गा। हाँ, देसी गां जिहड़ी भारत की हैगी है उनका दुध माँ वर्गे दुध वर्गा हैगा, लेकिन वो देसी गां भी
जड़ी बूटियां खावे चरदी फिरदी होवे तां ओह दूध भी वधिया है। मज दा दुद्ध तां पीना ही चाहिदा। मैं तुहानू एक पुछदा, हमारे घरों में कहावत है गाय हमारी और भैंस अकल बड़ी के, गई भैंस काला अक्षर जिसकी लाठी भैंस के आगे, ये सारी कहावत भैंस से ही क्यों है? साढ़े पूर्वज सानू कहना चाहिए सी कि भैंस का दूध पीने लायक नहीं है। अगर भैंस का दूध पीने लायक होता तो जापान क्यों नहीं पीता, अमेरिका क्यों नहीं पीता, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं पीता, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, मुझे कोई देश का नाम तो बताओ। पूरी दुनिया में 235 देश हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, सिर्फ 3 देश हैं दुनिया में जो भैंस का दूध पीते हैं, बाकी कोई नहीं पीता। तो सियाणे वो है, हम नहीं। हम भारतीय सियाणे थे अगर देसी गाय का दूध पियेंगे तो। मनीष जी आखिरी सवाल है मेरा, आयुर्वेद दे विच जिहड़े लोग जिहड़े नशा करते हैं, सिगरेट हो गया, दारू हो गया, आयुर्वेद उन्हां दे लई किवें काम कर सकता है ते कितना फायदेमंद है? देखो आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियां हैं, कुछ ऐसी दवाएं हैं, कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करें तो इच्छा ही नहीं होती। जैसे मैंने अभी एक छोटा सा दांतों के लिए लिक्विड बनाया है, दांतों को साफ करने के लिए, बड़ी सस्ता सा है। अब मैंने उसको कम से कम 150 पेशेंट को दिया जो सिगरेट, बीड़ी, जमदा, तंबाकू खाते थे। वो कहते हैं एक बार इसको दांतों पे मल लेते हैं ना तो 8-10 घंटे तक हमें तलब ही नहीं उठती। 8-10 उसमें है क्या, पुदीना है, पिपरमेंट है, इसके अलावा आपका उसमें हल्की सी गिलोय डली हुई है, हल्दी डली हुई है, 11 जड़ी बूटियाँ डली हुई हैं। तो ऐसे आयुर्वेद में बहुत कुछ है। अगर आप आयुर्वेद के डॉक्टर से मिलते हो, वैद्य से मिलते हो, असली अच्छे आयुर्वेद वाले से, तो वो आपको ऐसी जड़ी बूटियाँ बताएगा कि आपकी बॉडी को इच्छा ही नहीं होगी और इच्छा शक्ति का ही खेल है सारा। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है, हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।